नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोलता बिजनौर में। बिजनौर से हरिद्वार मार्ग पर स्थित भागुवाला रोड के पास तड़के उस समय कोहराम मच गया जब एक रोडवेज बस द्वारा इको वैन को रौंद दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इको वैन में सवार 8 कांवड़िया हरिद्वार से आ रहे थे, जिसमें 4 कांवड़ियों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। अन्य 4 को हायर सेंटर भेज दिया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इको वैन में सवार अमित, विपिन, धर्मेंद्र, सुमित, मंजीत, रोहित, सचिन जनपद फर्रुखाबाद के निवासी थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 4 कांवड़ियों की मौत मौके पर हो गई। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार से नजीबाद की ओर से आ रही रोडवेज बस के चालक को अचानक नींद आने के कारण ये दुर्घटना हुई। खबरें जो सीधे जोड़ती हैं आपको हमसे, खबर ऐसी जो खबरदार करते, सच ऐसा झूठ को शर्मसार करते, बहस ऐसी हो जो बाहिसाब करते, बिना बदले बिना डरे सच दिखाएंगे हम। बोलता बिजनौर के साथ, बिजनौर की आवाज।